guys. ये कुछ ज्यादा तक नहीं है, कैमरा में इतना अच्छा दिख रहा।
ਨਾਮ ਹੈ ਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ मैं तो देख रहा हूँ, मैं सिर्फ आधी नजर डालता हूँ, सीधी होनी चाहिए स्क्रीन पास। बरसों नहीं सदियों नहीं युगों पहले की बात है, जिस जगह आप आज मौजूद हैं, जहाँ खूबसूरत शहर जम्मू बसा हुआ है और जहाँ आज बागी बाहू का यह किला शान से तना खड़ा है। तब यहाँ ये सब कोई नहीं थे, यहाँ थी तो बस हरी भरी पहाड़ियाँ और मैं यानी सूर्यपुत्री। कौन सूर्यपुत्री? वही जिसे आप सब तली नदी के नाम से जानते हैं। कैमरे में नहीं आ रहा। राजा पहर मेरे पास आए,
राजा मुझसे बोले कि उनके बीमार पिता के इलाज के लिए उन्हें मेरा जल चाहिए। अब रोज कपलाश कुंड तक आकर बीमार बूढ़े पिता के स्नान के लिए मेरा जल ले जाना तो संभव नहीं था ना, तो मैंने ही कुछ सोचा। फिर मुझसे रुका ना गया, मैं उनके पीछे चल पड़ी। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है, इसी बहाने मुझे यह सुंदर जगह देखने को मिली और रास्ते में चिनेरी में मेरी मुलाकात सुध महादेव से भी हो गई। उस समय तक शिवालिक पहाड़ियों में स्थित इस जगह का कोई नाम नहीं था। हाँ, इसकी पहचान जरूर थी, यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों पर उगी नरम मुलायम घास और मेरे जल की तासीर से खींचे तमाम चरवाहे दूर दूर से यहाँ अपनी भेड़े चराने आया करते थे। तभी एक दिन सूर्यवंशी राजा जम्बुलोचन इधर से गुजरे। इस इलाके की सुंदरता से मोहित होकर वो थोड़ी देर को यहीं आराम करने लगे। जरा दूर पर सफेद चादर ओढ़े ऊंचा हिमालय, पास में हरी चुनरी पहने पहाड़ियां और नीचे कलकल बहती नीली नदी। जैसे यह नजारा काफी न था कि तभी राजा जम्बुलोचन ने करीब के एक तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत था। राजा जम्बुलोचन को ये नजारा शेर वाला ना, जिस जगह एक बाघ और बकरी साथ पानी पी सकते हैं, जहाँ एक शेर भी एक भेड़ को मारने से बख्श देता हो, जहाँ एक मेना शेर से न डरता हो, वही मुझे अपनी राजधानी बनानी चाहिए। तभी तो इस प्रदेश के हर निवासी को बराबर का इंसाफ, बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का दर्जा मिल सकेगा। कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो जाए और सेव भी नहीं हो वीडियो, मुझे नहीं लगता टाइम सोना बहुत लगता है, 15% है अभी।
और यूं पड़ी जम्बू यानी जम्बू की बुनियाद। राजा जम्बू लोचन के भाई बाबू लोचन ने भी अपने भाई की राह पर चलते हुए मेरे दूसरे तट पर एक और नगर और कोट की नींव रखी और इस तरह यहाँ एक गढ़ की तामीर शुरू हुई इस बाहु लोचन के किले की। और अमन के
के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहां मौलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहां आ बसे तो वहीं हजारों कारीगर दस्तकार कलाकार भी जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया। पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हरि सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कनौजिया राजपूत सिपाही सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। जम्मू के राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सून सिमली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबा पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था। पर ये सूरत डोगरों को बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक नस्ली घोड़ा, 3 सोने के ताव से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़े और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो मीर के जमाने में इस किले यानी किलाए बाबू को फिर से नई तरह से बनाया और सजाया गया। अब जम्मू में भी नए महल, नए बाग, नई इमारतें तामीर की जाने लगी। रणवीर सिंह ने और साथ ही पूर्वमंडल व उत्तर वाहिनी ने मंदिर श्रृंखलाओं का भी निर्माण करवाया। एवं इनके साथ माँ गंगा की बड़ी बहन मानी जाने वाली नदी देवक के तट पर संस्कृत पाठशाला स्थापित की।
दरबारों, तमाम दस्तकारों, अनेकों पंडितों और विद्वानों, गायकों, लोक नाटक के साधकों तथा मिनिएचर पेंटिंग करने वाले चित्रकारों के चलते जम्मू एक मजबूत और अलग बहुसंस्कृति एवं संस्कारों का गढ़ बन गया, जहां कहीं गद्दियों गुज्जरों की बांसुरी की धुनें तो कहीं जोगियों की कारकों और बाएं, तो कहीं कुंड तो कहीं थम्मनी, कहीं औरतों का जागरण और कहीं हिरण और भक्ता जैसे कहानी कहते रंग नाट्य रूप मिलने लगे। मगर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो इतिहास के भी पहले की है, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। महाभारत के समय मेरे किनारे पांडवों की सेना ने डेरा डाला, क्योंकि अश्व ने यज्ञ में छोड़ा उनका घोड़ा इधर ही चला आया। और फिर बहुत बड़ी भूल हुई, तो आप ही पता है।
करूं? मैं क्या करूं? इसका एकमात्र उपाय है, पाताल में जाकर ना बड़े लाकर इन्हें जीवित किया जाए। और इस तरह बनी मानसर की अतः झील और सुरंगसर यानी सुरैसर झील। अब हम मानसर और सुरैसर के रमणीय स्थलों से वापस आते हैं और इस बाहु फोर्ट को देखते हैं। यह कद्दावर किला, इसकी 8 बुर्जियां, मजबूत दीवारें, प्राचीरें, पहरे की मीनार, तालाब और दुर्ग की रक्षा के लिए बना बारूद खाना और अभेद कैद खाना। किले के बाहर से जम्मू नगर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। इनमें है मुबारक मंडी, अमर महल और हरि निवास और मंदिर कलशों की श्रृंखलाएं। जानते हैं कि नदी को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? आजादी। पहाड़ों से मैदानों तक उछलते कूदते उफनते बहते हुए चलने की आजादी। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा खुश थी जब अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। पर मुझे दुख भी था कि देश बट भी गया था, हालांकि मैंने उस बंटवारे को कभी नहीं माना और अखंड भारत की ही तरह सरहद के उस पार बसे लोगों की भी प्यास बुझाती रही हूँ मैं। आज मैं बेहद खुश हूँ और आपके साथ बांटना चाहती हूँ अपनी ये खुशी। हो सके तो नवरात्रि के बाहु मेले में आइए, वरना किसी भी रात इस किले में चले आइए और देखिए दिवाली से सजे यहाँ बाग बगीचे, किले पर कोटे, झरने और फव्वारे। और हाँ, एक नदी का कोई अर्थ ही नहीं अगर वो जीवन ना दे सके इंसानों को, परिंदों को और जलिंदों को यानी मछलियों को। तो जब फुर्सत मिले तो यहीं किले के नीचे मेरे करीब ही बने देश के सबसे बड़े अंडरग्राउंड एक्वेरियम में जरूर आए। जिसने मल्लिका पुखराज को जन्म दिया तो उस्ताद अलारखा खां और पंडित शिव कुमार शर्मा को भी। अपने मिनिएचर के लिए नामचीन जम्मू असल में मिनिएचर इंडिया है, जिसमें आपको देखती है एक इंद्रधनुषी संस्कृति, जहां अनगिनत भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों, पोशाकों, खान पान, विश्वासों से जुड़े लोग एकजुट होकर रहते हैं और सबको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मेरी ही तरह, क्योंकि मैं सूर्यपुत्री तभी किसी भी प्यासे से न उसका मजहब पूछती हूँ, न जात, न खान पान, न ही पहनावा। सबका साथ देना, सबकी प्यास बुझाना, सबकी तरक्की और सबका विकास और सबका विश्वास ही तो है नदी का धर्म। मुझे यकीन है आप सब भी यहाँ से जाकर एक दूसरे में उसी तरह घुल मिल जाएंगे जिस तरह मेरा जल हर रंग में घुल जाता है, मिल जाता है, ढल
जाता है।